Hi everyone, my name is Divya and welcome to my channel. So first of all, ignore the pretty state of my hair. I know it looks really shabby right now, but I just got very frustrated one day and chopped it all off. So that is a story for another time. But in today's video, we're going to learn how to make stuffed garlic breadsticks. अब बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ही difficult recipe और पता नहीं कौन सी rocket science involved है इसमें, but I am telling you this is a fairly easy recipe और इसमें कुछ भी आपको इतना difficult नहीं करना. So yes, if you like this recipe then make sure you give this video a thumbs up, and if you do not like this recipe give this video a thumbs down and tell me how I can improve. And without further blabbering, let's just get into the video. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप आटा. यू कैन ऑल्सो यूज़ मैदा इफ़ यू लाइक. आई एम यूजिंग आटा हियर. सो इन टू द आटा आई एम एडिंग 1 tablespoon ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1 tablespoon ऑफ बेकिंग सोडा. देन आई एम एडिंग 1 tablespoon सॉल्ट. आप अपने स्वाद के अनुसार से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं. देन आई एम मिक्सिंग ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स टुगेदर. एक बार अच्छे से हाथ से सब कुछ मिला लेंगे इसको. फिर हम इसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच दही. द कर्ड आई एम यूजिंग इज एट रूम टेम्परेचर. ठंडी दही को यूज़ नहीं करना हमने इसमें. दही डालने के बाद मैं एक बार दोबारा से आटे में इसको मिक्स कर रही हूँ. और फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 3/4 कप पानी. अभी मैंने हाफ कप डाला है और बाद में मैं रिमेनिंग वाटर डाल के एक सॉफ्ट सा डो हम बना लेंगे. जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे हमें इसको मसल के अच्छे से सॉफ्ट सा एक डो बनाना है. तो अराउंड 10 मिनट लगेंगे आपको इसको नीड करने में. और फिर आप इसको गीले कपड़े से ढक के 30 मिनट्स के लिए रेस्ट कर दीजिए. और इन द मीनवाइल अब हम अपना गार्लिक बटर बनाएंगे, जिसके लिए वी आर टेकिंग 2 tablespoons ऑफ रूम टेम्परेचर्ड बटर. देन आई एम एडिंग 2 tablespoons ऑफ चॉप्ड गार्लिक. गार्लिक इसमें ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है. एंड देन आई एम एडिंग कोरिएंडर. आपके पास अगर धनिया नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो. फिर मैं डाल रही हूँ इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग. अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप धनिया डाल लीजिए, और धनिया नहीं है तो पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल लीजिए. दोनों काफ़ी सही फ्लेवर देते हैं. तो अब मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी और हमारा गार्लिक बटर जो है रेडी हो जाएगा. इसमें और कुछ नहीं हमें डालना. तो अब 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम एक बार 5 मिनट के लिए दोबारा इस आटे को गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए. सो यू कैन सी ऑल दीज लेयर्स. दिस इज़ व्हाट वी वांट. इसलिए हमने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था ताकि थोड़ी सी लेयर्स बन जाए, ताकि हम बेक करें तो वो फूल जाए. अब मैं एक रोलिंग ट्रे पर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा सा डो लेकर हम इसको जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही हम इसको बना लेंगे. रोटी जितना पतला नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे. आप बड़ी रोटी बेलिए और इसको आप ऐसे हाफ में फोल्ड करके देखिए कि आपको कितनी बड़ी गार्लिक ब्रेड चाहिए. थिकनेस आप इसकी देख लीजिए, इतनी रखनी है. ज़्यादा थिन और ज़्यादा थिक इसको नहीं करना. तो अब मैंने अपनी रोटी को एक बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र किया है. ट्रे को मैंने नीचे बटर से ग्रीस कर लिया था पहले ही. और फिर जो हमने गार्लिक बटर बनाया है वो हम उसको पूरी रोटी पर ऐसे फैला देंगे. गार्लिक बटर फैलाने के बाद मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ. ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने गार्लिक ऐड किया हुआ है तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसको ऐड कर दीजिए इसमें. उसके बाद मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़. ये आमूल की डाइस मोज़रेला चीज़ है. अगर आपको ख़रीदनी है तो द लिंक टू एवरीथिंग आई एम यूजिंग इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. मेरे पास अब चिली फ्लेक्स नहीं थे तो मैं ग्रीन चिलीज़ को ही चॉप करके डाल रही हूँ. और यहाँ पे ऑलिव्स डाल रही हूँ. आप कॉर्न, हैलापिनो कुछ भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक. तो अब हम इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर देंगे और इसकी एजेस को अच्छे से सील कर लेंगे. अगर आप इसकी एजेस को ढंग से सील नहीं करेंगे तो बेक होने के टाइम ये आगे से खुल जाएगा, विच इज़ नॉट समथिंग यू वांट, क्योंकि फिर चीज़ बाहर आ जाती है। अच्छे से सील करने के बाद ऊपर से हम दोबारा से अपना गार्लिक बटर लगाएंगे और जो हमारी सीजनिंग्स हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग और गार्लिक पाउडर, वो दोबारा से हम ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। और अब मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्की हल्की इंसिजन्स आप इस पे बना दीजिएगा अवन में डालने से पहले, बिल्कुल डीप कट नहीं करना आपको, वरना चीज़ बाहर निकल जाएगी। तो 180 डिग्रीज़ पे 25 मिनट्स के अराउंड लगे हैं मुझे, और देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी पफ हुई है ये, बिना यीस्ट के ये इतनी अच्छी फूल गई है और एकदम डोमिनोज जैसी दिख रही है। मतलब कोई बता नहीं सकता कि आपने उसको घर पे बनाया, इट लुक्स सो गुड। तो अब इसको मैंने स्लाइस कर लिया है और दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया। इट वाज सो हॉट, मेरे हाथ में उठाई भी नहीं जा रही थी, बट येस यू कैन सी इट लुक्स सो गुड। और अंदर ये जो चीज़ है वो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। सो येस, दिस इज़ द रेसिपी और बहुत चीज़ी है, बहुत फ्लफी है। सो मेक श्योर यू ट्राई इट आउट एट योर होम। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड वाज़ंट दिस रेसिपी इजी? जितना डिफिकल्ट हमने सोचा था उतना तो नहीं है ना। सो मेक श्योर यू ट्राई दिस रेसिपी आउट एंड शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक टू विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स और उनको खरीदने के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप डायरेक्टली वहीं से परचेज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड यप, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।